हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला का मास्टर। और आज हम बात करेंगे रिवर्ब की। मैंने रिवर्ब पे पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन उन पे व्यूज़ काफ़ी कम है और वीडियोस काफ़ी पुरानी भी हैं। उनकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं रीपोस्ट नहीं कर सकता, तो मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को रिवर्ब को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं कि रिवर्ब कैसे लगाते हैं, रिवर्ब की जो नोब्स हैं वो क्या काम करती हैं, कहाँ रिवर्ब लगाते हैं, कौन सी रिवर्ब लगाते हैं। तो वो रिवर्ब लगा तो देते हैं, देखते हैं कि आवाज़ गूंज रही है, टेल आ रही है, ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अपने गाने पे गलत रिवर्ब अप्लाई करोगे तो आपका गाना मडी साउंड कर सकता है। आपकी वोकल्स, अगर आप अच्छा भी गाते हो सकता है कि आपकी वोकल्स उतनी अच्छी साउंड ना करें। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपको होंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पूरी ज़रूर देखें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे कि कैसे रिवर्ब यूज़ करते हैं, कहाँ लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं। ऐसे जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यह है वेलहला विंटेज वर्ब। तो रिवर्ब कैसे यूज़ करते हैं, इसे चलाने से पहले, इसे सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्ब होती क्या है। मान लो आप एक खाली रूम में खड़े हो और आपने हेलो बोला, और खाली रूम होगा तो आपकी जो आवाज़ है वो वहाँ पे गूंजेगी। आप देखोगे कि आपकी आवाज़ की एक एको आएगी, रिवर्ब आएगी, रिफ्लेक्शंस आएंगी। जो हमारी रिवर्ब है वो रिफ्लेक्शंस ही हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम खाली रूम में या खाली किसी हॉल में गाते हैं तो गाने का काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो बड़ी बड़ी साउंड करती है, रिफ्लेक्टिव साउंड करती है। तो ऐसे ही हम रिक्रिएट करते हैं प्लगइन से। तो उसी तरह इसमें भी अगर आप मोड्स में जाओ तो आप देखोगे कि कॉन्सर्ट हॉल, अगर आप कॉन्सर्ट हॉल में, खाली कॉन्सर्ट हॉल में बोलोगे तो जो रिफ्लेक्शंस आएंगी वो कैसी आएंगी, तो ये उसको रेप्लीकेट करेगा। ये है ब्राइट हॉल। तो ब्राइट हॉल क्या होगा कि डिफ्यूज़ करने के लिए उसमें कोई सॉफ्ट चीज़ें नहीं होंगी, तो आपकी जो रिवर्ब है उनमें हाइज ज़्यादा होंगी, तो ब्राइट हॉल उसको रेप्लीकेट करेगा। ऐसे ही प्लेट है, रूम है, चैम्बर है। तो बहुत सारी रिवर्ब्स हैं जो हम गानों पे यूज़ कर सकते हैं। आप इनके बारे में पढ़ें ज़रूर, आप यूट्यूब पे ही ना ढूंढते रहें कि रिवर्ब क्या है, प्लेट कौन सी है, कोरस स्पेस क्या है, सेंचुरी क्या है, डर्टी हॉल क्या है। आप इनके बारे में पढ़ें भी, क्योंकि अगर आप प्लगइन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद वीडियो बनाने वाले को भी नहीं पता होंगी। जैसे इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें किसको रेप्लीकेट करती हैं मुझे पता ही नहीं। तो अब आते हैं प्लगइन में। अगर आपके पास वेलहला विंटेज वर्ब नहीं भी है तो आप कोई से भी रिवर्ब प्लगइन यूज़ कर सकते हो, चाहे वो वेव्स की हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे फेयर फिल्टर की हो, कोई भी रिवर्ब प्लगइन। तो कोई भी क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन नोब्स हैं जो किसी भी रिवर्ब प्लगइन को चलाती हैं वो तीन सेम ही होती हैं, मिक्स नोब, डी के नोब, प्री डिले नोब। डी के कहीं कहीं पर टाइम लिखा होगा, कहीं कहीं पर डी के लिखा होगा। टाइम और डीके बिल्कुल सेम चीज़ है। ये तीन नोब्स आपको हर एक रिवर्ब प्लगइन में मिल ही जाएंगी। उसके बाद आती है डैम्पिंग, शेप, डिफ्यूज़न, मॉड्यूलेशन। ये ऑप्शंस आपको कहीं कहीं मिलेंगी, कहीं कहीं नहीं मिलेंगी। उसके बाद ईक्यू भी लगभग हर एक रिवर्ब में आपको मिल ही जाता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इन नोब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिक्स नोब की। मिक्स नोब क्या करती है, मान लो कि आपका फुल सिग्नल रिवर्ब प्लगइन में जा रहा है और जब इस पे से रिवर्ब लग के वो निकलेगा, 100% ऑडियो पे रिवर्ब लगा होगा। जैसे जैसे आप इसको कम करते रहोगे, मान लो 50 कर दिया हमने, तो 50 पे क्या होगा, 50% सिग्नल पे रिवर्ब होगी, 50% आपका ड्राई सिग्नल होगा। अगर हम इसको 25 कर दें तो क्या होगा, 25% सिग्नल पे रिवर्ब लगी होगी, 75% पे नहीं लगी होगी। तो इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन बाकी नोब्स के बारे में बात करने के बाद। तो प्री डिले क्या करता है, मान लो आपने बोला हेलो, कितने टाइम के बाद वो रिफ्लेक्शंस आप तक पहुंचेंगी। मान लो आपने हेलो बोला और थोड़ी देर बाद उस हेलो की रिफ्लेक्शंस आपके कानों तक पहुंची, वो जो थोड़ा टाइम इंटरवल उसमें आएगा उसे हम बोलते हैं प्री डिले टाइम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो बोलने के बाद जो थोड़ा सा टाइम इंटरवल बीच में आता है रिफ्लेक्शंस को आप तक पहुंचने में, उसे बोलते हैं प्री डिले टाइम। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अपने गाने के अकॉर्डिंग। 100 मिलीसेकंड्स पे क्या होगा, आप हेलो बोलोगे, 100 मिलीसेकंड के बाद रिफ्लेक्शंस वापस आएंगी। मैंने यहाँ पे कर दिया 35 मिलीसेकंड्स के बाद आएंगी। और ये है 0 मिलीसेकंड्स, आपने हेलो बोला साथ ही रिफ्लेक्शंस आ गई, कोई टाइम गैप पड़ा ही नहीं। तो इसको जितना स्लो करते जाओगे उतनी लेट रिफ्लेक्शंस आएंगी, जितना फास्ट करते जाओगे उतनी जल्दी रिफ्लेक्शंस आएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं डीके की।
ये कहीं कहीं डीके लिखा होगा, कहीं कहीं टाइम लिखा होगा। तो डीके क्या डिसाइड करता है? डीके डिसाइड करता है कि आपकी जो रिवर्ब है उसकी टेल कितनी लंबी होगी, आपकी रिवर्ब कितनी बड़ी होगी। ये बाय डिफॉल्ट 4 मिलीसेकंड्स पे आता है, लेकिन आप अपने गाने के अकॉर्डिंग, अपने गानों के गैप के अकॉर्डिंग, अपने गाने की टेम्पो के अकॉर्डिंग टाइम रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने बहुत लंबा इसे रख दिया 6 सेकंड का, लेकिन अगला जो वर्ड है वो सिंगर ने बोल दिया, जो पिछले वर्ड की रिवर्ब है वो अगले वर्ड तक पहुंच रही है, तो वो बेशक उसे डिस्टर्ब करेगा। तो ये तीनों नॉब्स ऐसी हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना है। तो ये काफ़ी होगी थ्रेटिकल बातें, अब करते हैं प्रैक्टिकल बातें। तो ये है सोनू भाई की वोकल्स, थोड़ी सी मडी आपको साउंड कर सकती हैं क्योंकि मोबाइल की वोकल्स हैं। यूट्यूब से मैंने उठाई थी, कैसे इन्हें मिक्स किया था उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले सुनते हैं कि ड्राई कैसी साउंड कर रही थी। तो सिंपल वोकल्स जैसी साउंड करती ही हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली इन तीन नोट्स को देखेंगे। तो मैं सिंपल रफ सी कोई रिवर्ब सेट कर देता हूँ। और आपने सुना होगा कि टेल काफी लंबी आ रही है। पहले सुनते हैं ड्राई विदाउट रिवर्ब कोई वोकल कैसी साउंड करती है। आपने जस्ट मोबाइल पे गा लिया, उसे सुन लिया, वैसे साउंड करेगी। रिवर्ब से आपकी वोकल्स काफी प्रोफेशनल साउंड करने लगती हैं। तो रिवर्ब के साथ कैसी साउंड कर रही है। तो डिफरेंस आपने देख लिया ड्राई और रिवर्ब लगने के बाद वोकल्स कैसे साउंड करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिक्स नॉब को मैंने कर दिया है जीरो की, बिल्कुल भी किसी सिग्नल पे रिवर्ब ना लगे। क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो मतलब कि सिग्नल के किसी भी पार्ट पे रिवर्ब नहीं लग रही। तो इसे हम करते हैं 50%। तो ये सिंपल सी चीज़ है, जितने सिग्नल पे आपको रिवर्ब लगानी है आप उतना सिग्नल रख सकते हो। तो मिक्स नोब को मैं हमेशा 100 ही रखता हूँ क्योंकि बाद में फेडर से मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ। उसके बाद बात करते हैं प्री डिले की। तो प्री डिले को पहले कर देते हैं जीरो। तो यहाँ क्या हुआ है, वोकल्स जैसे ही आई उस पर रिवर्ब लग के ही आई है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसमें, प्री डिले बिल्कुल भी लेट नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूँ बिल्कुल एक्सट्रीम, 500 मिलीसेकंड्स के बाद रिवर्ब चालू होगी। अब आपको समझ में आएगा कि लेट रिवर्ब आती है तो कैसे साउंड करती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ तक वोकल्स आ गई थी, उसके बाद रिवर्ब आनी चालू हुई 500 मिलीसेकंड्स के बाद। तो ये खत्म भी हो गया था, उसके बाद रिवर्ब आई। तो प्री डिले टाइम हमें बहुत ध्यान से सेट करना है। तो प्री डिले टाइम आप कैसे सेट कर सकते हो उस पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप जरूर जाके चेकआउट करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जो प्री डिले है वो हम सेट करते हैं टेम्पो के अकॉर्डिंग, कि गाने की टेम्पो कितनी है उसके अकॉर्डिंग प्री डिले टाइम कितना होना चाहिए। तो आपको अंदाजे से या किसी को पूछना नहीं पड़ेगा यार प्री डिले टाइम कितना रखना चाहिए वोकल्स पे, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वोकल्स पे इतना ही प्री डिले टाइम होता है। हर एक वोकल अलग टेम्पो पे होती है, तो टेम्पो के अकॉर्डिंग ही प्री डिले टाइम होता है। तो प्री डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी वीडियो चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसके बाद देखते हैं कि डी के क्या करता है। तो मैंने डी के टाइम को कर दिया है 0.20। तो जो रिवर्ब है बहुत छोटी आ रही है, बहुत छोटी सुन रही है, तो मैं कर देता हूँ इसको एक्सट्रीम 70 सेकंड्स। तो मैंने इसे कर दिया है 70 सेकंड्स और जो हमारी रिवर्ब है वो 70 सेकंड्स तक चलती ही जाएगी। सुनिए, तो ये 70 सेकंड्स तक चलती ही जाएगी। डी के टाइम भी आपको बहुत ध्यान से सेट करना है। डी के टाइम आप कैसे सेट कर सकते हो, आपने देखना है ये जो गैप है, यहाँ पे कोई शब्द ख़त्म हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ, आपकी रिवर्ब यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपकी रिवर्ब यहाँ तक जा रही है तो मतलब वो इस पार्ट को डिस्टर्ब कर रही है। आपकी रिवर्ब यहाँ से शुरू होनी चाहिए, यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। सुनते हैं। फू जाड़ो सहे।
तो वहां पे खत्म हो गई है। मैं इसे कर देता हूँ 7 सेकेंड्स। ये सही नहीं है क्योंकि जो पुराने वर्ड की टेल है रिवर्ब की वो अगले वर्ड पे जा रही है, उसे खराब कर रही है। तो इतनी रिवर्ब लंबी हमें नहीं डालनी, हमें रिवर्ब डालनी है। आप चला के देखो हमेशा कि वहां तक पहुंच तो नहीं रही, अगर पहुंच रही है तो रिवर्ब मतलब डी के टाइम को कम कर दो। तो ये सिंपल सी चीज है रिवर्ब अप्लाई करने की, कि आपकी रिवर्ब की टेल नए वर्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि रिवर्ब को यूज कैसे करते हैं वोकल्स में। तो काफी लोग हैं जो इस बात से कंफ्यूज होंगे कि किसी भी रिवर्ब प्लगइन को हम सीधा ही प्लगइन चेन में क्यों नहीं लगा देते जबकि हमारे पास मिक्स नोब दी हुई है। तो इसका आंसर ये है कि हमें बेटर कंट्रोल नहीं मिलता। हमें किसी भी ऑडियो पे अगर बेटर कंट्रोल मिलेगा तो हम उसे अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने गाने के अकॉर्डिंग। तो कभी भी चाहे वो रिवर्ब हो, चाहे डिले प्लगइन हो, चाहे एको हो, चाहे कोरस हो, आपको सीधा ही प्लगइन चेन में नहीं लगाना है, उसे हमेशा यूज करना है बस में। बस क्या करती है, एक अलग चैनल बनाती है, वोकल का सिग्नल उसमें भेजती है। उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्लगइन हम यूज़ करते हैं, रिवर्ब हो चाहे डिले हो। और रिवर्ब यूज़ करने के बाद आप क्या कर सकते हो, रिवर्ब को ईक्यू कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, ये प्लगइन चेन है, रिवर्ब को कंप्रेस कर सकते हो, रिवर्ब पे वाइडर प्लगइन लगा सकते हो कि रिवर्ब हमारी और बड़ी साउंड करे, रिवर्ब पे और मान लो रिवर्ब पे ही डिले लगानी है, ऐसा कोई करता नहीं है लेकिन लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा कंट्रोल हमें मिल जाता है। तो जब भी रिवर्ब यूज़ करनी है आपको सेंड के थ्रू बस बना के यूज़ करनी है। तो कैसे यूज़ करना है, आपने एक बस बनाई, उस पर डाला प्लगइन रिवर्ब का जो भी आपको अच्छे से चलाना आता हो, सेटिंग की अपने अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि जो रिवर्ब है वो काफ़ी डोमिनेट कर रही है मेन वोकल्स को, काफ़ी मडी साउंड कर रही है। तो हम इसे करेंगे EQ। तो EQ करने के लिए यूज़ करेंगे हम फैब फिल्टर का प्रो क्यू 3। तो वैसे अगर हम देखें तो EQ की ऑप्शन यहाँ भी है, लेकिन स्टार्टिंग में आप सुन के उतना ज़्यादा रिवर्ब को कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि कान इतने ज़्यादा तैयार नहीं है, ईयर ट्रेनिंग हमारी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो विजुअली अगर हम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जब भी रिवर्ब आती है तो उसके लोज हमें नहीं चाहिए होते, तो लोज क्या करते हैं, आपकी वोकल्स को मडी साउंड करवाएंगे। लो कट फिल्टर डालेंगे जो आपके लोज को काट देगा। हर एक वोकल पे अलग ये चीज़ होगी, आप अपनी वोकल्स के अकॉर्डिंग सुनो कि कहाँ तक आपको काटना है। तो जो रिवर्ब के एक्सट्रीम हाइज होते हैं वो भी हम नहीं रखते, आप रख भी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं रख सकते, अगर आपको अच्छे लगते हैं आप रख सकते हो। तो मैं कहीं कहीं रखता हूँ, कहीं कहीं नहीं रखता। तो ये हमारी रिवर्ब लग गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, रिवर्ब काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो हम कैसे इसे कंट्रोल करेंगे, जो हमने बस बनाई थी उस ट्रैक के फेडर से हम इसे कंट्रोल करेंगे। तो इसे दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या तो आप फेडर को बिल्कुल ना छेड़ो, यहाँ पे भी मिक्स नोब को 100 रखो और सिग्नल ही कम सेंड करो उस बस में। यहाँ पे क्या है, फुल सिग्नल जा रहा है सेंड बस में, यहाँ से अगर मैं घटाता जाऊंगा तो रिवर्ब भी घटती जाएगी, आप सुनिएगा। ये मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, अब मैं बढ़ाता जाऊंगा तो उतनी ज्यादा रिवर्ब ड्राई सिग्नल के साथ मर्ज होती जाएगी। तो आप इसे दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो सिग्नल ही उतना भेजो जितने पे आपने रिवर्ब लगानी है, तो वो तो स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप फेडर से कंट्रोल करो। अब मैं क्या करूँगा, फेडर को बिल्कुल बंद कर दूंगा, आप सुनोगे कि रिवर्ब नहीं है, धीरे धीरे आप रिवर्ब को मर्ज करते जाओ मेन वोकल्स के साथ, जहाँ भी आपको वो स्वीट स्पॉट मिलेगा कि यहाँ पे रिवर्ब अच्छी साउंड कर रही है वहाँ पे छोड़ दो। अगर फुल कर देंगे तो कैसा साउंड करेगा। तो स्वीट स्पॉट ढूंढने का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अपने अकॉर्डिंग। कई बंदों को बिल्कुल ड्राई वोकल्स पसंद आती हैं, अगर आप बाजार पात्र का म्यूजिक देखो तो रिवर्ब होती ही नहीं है,
तो कई बंदे बहुत ज़्यादा रिवर्ब लगाते हैं, तो ये डिपेंड करता है टेस्ट पे। तो कितनी रिवर्ब चाहिए मुझे, देखते हैं। आफू जानो सहरपनी, मुझे रिवर्ब थोड़ी ज़्यादा अगर हो तो अच्छी लगती है। आफू जानो सहरपनी। तो ऐसे आप रिवर्ब प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप रिवर्ब लगा सकते हैं अपने ट्रैक्स पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे रिवर्ब अप्लाई करते हैं, कैसे रिवर्ब प्लगइन को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि डैम्पिंग क्या करता है, शेप क्या करता है, मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिफ्यूजन क्या करता है। अगर आप वेलहला विंटेज वर्ब पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो वेलहला। अगर 10 से ज़्यादा कमेंट आ गए वेलहला लिखे हुए तो मैं ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल एक्सप्लेन करूंगा कि हाई फ्रिक्वेंसी नोब क्या करती है, हाई शेल्फ क्या करता है, ये डैम्पिंग क्या करता है, मोड क्या है, कलर क्या है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिवर्ब यूज़ करते हैं, कैसे रिवर्ब अप्लाई करते हैं। अगर आप मुझसे मिक्सिंग मास्टरिंग करवाना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स करना चाहते हो तो मुझे DM करें, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। पीस आउट।